Assalamu alaikum everyone, this is Maria Khan, Sales and Marketing Manager of Amanat.com. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, एंड ऑल्सो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो भी होगी ये साथ में न्यूज़ के साथ, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द न्यूज़ एज़ वेल. तो जी, न्यूज़ ये है कि नोवा सिटी को उनके डेडिकेटेड इंटरचेंज का अप्रूवल यानी कि NOC मिल चुका है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम NHA. और ये जो इंटरचेंज है इसके ऊपर बहुत अरसे से काम किया जा रहा था, और कभी भी जो कोई भी इंटरचेंज हो किसी भी सोसाइटी का हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास उनका डेडिकेटेड इंटरचेंज मौजूद है, एंड नोवा सिटी इज़ द सेकेंड सोसाइटी, सेकेंड प्रोजेक्ट जिनको ये इंटरचेंज का अप्रूवल मिलने जा रहा है, बल्कि मिल चुका है, इट इज़ अप्रूव नाउ. और इसकी वजह क्या है और NHA किन बेसिस के ऊपर जो है NOC अपना जो है देता है, किन किन चीज़ों की क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये तमाम डिटेल्स आज आप लोग इस वीडियो में साथ में जानेंगे. तो सबसे पहले तो ये कि लोकेशन की बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी नोवा सिटी के इंटरचेंज के हवाले से. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नोवा सिटी इस्लामाबाद डीए खान मोटरवे M14 के ऊपर लोकेटेड है, तो इसकी जो लोकेशन है इंटरचेंज की, इट इज़ सपोज टू बी कह लीजिए कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स अवे, बट लेस देन एनी किलोमीटर इज़ एक्सेप्टेबल, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी जो एक और चीज़ है वो ये है कि इसका प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, कंस्ट्रक्शन चेक की जाती है, डेवलपमेंट चेक की जाती है, लैंड चेक किया जाता है कि कितने लैंड का अप्रूवल है, और ये तमाम डिटेल्स चेक करने के बाद ही किसी सोसाइटी को अप्रूवल दिया जाता है. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है NHA की किसी लैंड को चेक करने की, फॉर एग्जांपल अगर नोवा सिटी को अप्रूवल मिला है, एटलीस्ट उनका 4000 कनाल लैंड उनके पास होना चाहिए, अप्रूव्ड लीगल होना चाहिए, तब वो इंटरचेंज की इजाज़त देते हैं. और ये चीज़ें चेक होने के बाद जो एक और चीज़ चेक होती है वो ये होती है कि जिस रोड के ऊपर इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या हैं, उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या वो एक सेफ रोड है, क्या वहाँ पर इंटरचेंज बनना चाहिए, क्या वहाँ पर रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम हो सकता है, किस तरीके से वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, इसको अगर हम डेडिकेटेड इंटरचेंज बनाने का अप्रूवल दे रहे हैं तो हाउ इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट एवरीथिंग एल्स. बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, उस जगह का विज़िट करके उसको एनालाइज़ किया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन की लेजिटिमेसी चेक की जाती है, रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट चेक की जाती है, और आफ्टर थॉरो एग्जामिनेशन तब जाकर ये NOC दिया जाता है. फर्दर अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि NHA जो है उनकी जो उन्होंने कुछ अर्से पहले अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को बताए थे कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी मेडिकल सिटीज़ हैं, कोई भी जो अपना प्रोजेक्ट अपनी डेडिकेटेड इंटरचेंज को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसके लिए वो जिसके बाद वो अपने इंटरचेंज के लिए डेडिकेटेड इंटरचेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और उन तमाम चीज़ें के कह लीजिए कि उनके इंट्रोस्पेक्शन के बाद ही NOC दिया जाएगा या फिर परमिशन दी जाएगी NHA की तरफ से फॉर अ डेडिकेटेड इंटरचेंज. सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इंटरचेंज का डिज़ाइन है वो दिया जाएगा NHA की तरफ से, और कंस्ट्रक्शन भी उसकी NHA की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी के हिसाब से होगी, और अप्रूवल भी NHA ही देती है. और उसके अलावा जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी सोसाइटी हो अगर वो चाहते हैं कि उनका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज हो, तो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू सीक अप्रूवल फॉर इंटरचेंजेस 4000 कनाल्स फॉर हाउसिंग सोसाइटी, 2000 कनाल्स फॉर एजुकेशनल सिटी एंड मेडिकल सिटी यू कैन से, 2800 कनाल्स फॉर इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री आउटलेट्स, एंड 1600 कनाल्स फॉर अ थीम पार्क. ये चार मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी, चार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बता दिए जिसके ऊपर के आप कह सकते हैं कि इतना लैंड होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटरचेंज. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी एक सर्टन पेमेंट है जो NHA को पे की जाती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है, और उसके बाद सर्टेन NOC चार्जेस दिए जाते हैं. NOC जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द लैंड चार्ज की जाती है पर कनाल के हिसाब से, और
इस तरह की डिफरेंट आप कह लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशनल सिटी है तो पर कनाल के हिसाब से 50,000 दे हैव टू पे, फिर अगर पर कनाल हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से पेमेंट वो लोग कर रहे हैं तो 60,000। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी टैक्सेस पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और उसके बाद जाकर जो है अप्रूवल मिलता है, वो भी फर्दर मोर इंटरेस्ट सेक्शन के बाद। अगर वो पैसे पे कर भी दें तो अगेन जब तक वो NHA की सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा प्रोजेक्ट, सेफ्टी हो गई और जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, वो कभी भी अप्रूवल नहीं देते हैं। एंड उसके बावजूद भी अगर आपने पेमेंट्स भी कर दी हों, आपने सबमिशन भी करवा दिया हों, आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई हों, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट NHA के हिसाब से पूरी नहीं उतर रही है तो वो फाइनल डिसीजन तक उन्हीं के हाथ में है। उनका जो एग्जीक्यूटिव NHA का बोर्ड है, दे आर एक्चुअली एंटाइटल्ड टू टेक द फाइनल डिसीजन इन दिस रिगार्ड। उसके अलावा जो ट्रैफिक का इम्पैक्ट होता है, ज्योमेट्रिक स्टडीज होती हैं, हाईवे सेफ्टी होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स, वो सारी उनकी बनाई जाती हैं और वो भी NHA के अप्रूव्ड कंसल्टेंट्स होते हैं। और उसकी जो कॉस्ट है, अगेन जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो देते हैं, और जब अगर वो देख लें कि देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, रोड सेफ्टी है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसके बाद ही अप्रूवल दिया जाता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बेशक डेडिकेटेड इंटरचेंज ही हो, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का है, उनका उनको अप्रूवल मिल चुका है कुछ महीने पहले और अब नोवा सिटी को भी दे दिया गया है, इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है ना, जब ये फंक्शनल हो जाता है, वो सारा का सारा जो उसका टैक्स पे करना होता है, टोल टैक्स पे करना होता है, वो सारी चीज़ें जो इंटरचेंज से रिलेटेड होती हैं, वो सारा ऑपरेशंस, सब के सब ऑपरेशंस बेसिकली देख NHA ही रहा होता है, लेकिन वो एक सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड होता है इंटरचेंज। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ तफसीलात आप लोगों से जो मैंने शेयर करना चाहती थी NHA के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस किन बेसिस के ऊपर जो है वो अपना NOC जो है वो देते हैं डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली इस वीडियो में बताई, साथ साथ इस खुशखबरी के साथ कि नोवा सिटी को भी इंटरचेंज का अप्रूवल मिल चुका है, उनका पास ऑलरेडी फाटा की तरफ से NOC मौजूद है। तो नोवा सिटी इस्लामाबाद इज़ एक्चुअली डूइंग रियली वेल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये खुशखबरी पसंद आई होगी, स्पेशली वो लोग जो कि नोवा सिटी इस्लामाबाद में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त चल रहा है, क्या न्यूज़ है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पर करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उनके इंटरचेंज का स्टेटस क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा, आप लोगों को आपका जवाब भी मिल गया होगा। For more content like this, make sure to like this video, share this video with as many people as you want, and also make sure ke hamare channel ko subscribe zarur kijiye, because you supporting us and watching our content actually helps, aur hame isse aur zyada motivation milti hai ki hum aap logo ke acha se acha content bana sake. So agle dafa tak ke liye mujhe dijiye ijazat, Allah Hafiz. amanat.com, Pakistan's first investment portal. Mashwara amanat hai.